जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाल ही में हाउस मीटिंग में लाउडस्पीकर बैन के बिल को पास किया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये नहीं, ये हमें साफ देखने को मिला शुक्रवार के दिन, यानी कि आज के दिन। साइंस कॉलेज में अजान हुई, लाउडस्पीकर दिन के टाइम चला और विदाउट परमिशन चला। इस बात पर विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ के छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। मसला थोड़ा गर्मा गया और पुलिस ने बीच में हस्तक्षेप करके कुछ बच्चों को डिटेन कर लिया। लेकिन इस वाकये ने यह बात दर्शा दी कि हाउस में जो बिल पास हुआ है उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है और इसी का विरोध ये बच्चे जता रहे थे। इस पूरे मुद्दे को लेकर स्टेट टाइम्स की टीम ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से बात की तो उन्होंने कुछ ये कहा। पहली बात तो ये है कि कहीं भी अपना जो हमारे संस्थान है उसके अंदर तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यही मतलब गलत है। तो फिर वहां अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां तो स्पीकर लगना ही चाहिए, पर इसीलिए तो स्पीकर हमारे बैंड परमिशन लेके होना चाहिए। तो वहां अगर, बच्चे वहां पर साइंस कॉलेज में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे बिना स्पीकर के। नहीं, मैं हनुमान कर रहा, जो अजान वाले थे वहाँ उन्होंने स्पीकर लगाने की क्या जरूरत है? यहाँ से स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं, हॉस्टल है, ये है वो है, वहाँ नहीं करना चाहिए। मैं अभी बात करूंगा ना, अगर वो परमिशन है ठीक है, नहीं तो उनको बंद करवाते हैं। तो ये वाले बच्चों को भी पुलिस ले गई है जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, इनको भी पुलिस ले गई, तो थोड़ी कोई फॉरन ले गई है, आ जाएंगे बाहर। अभी कोई बात नहीं, होता ही है, जो होगा बात करते हैं पुलिस से। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, ओके ओके। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, भाई सिद्धि साखी गोरी सा, तुलसीदास धारी चेहरा की जय, नाथ दे माडे पवन तन्य संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभु सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम बोल सी अपनी महाराज की जय, बोल सी अपनी राम जय श्री राम। जी, तो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के लोग आते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उठा के लेके हिरासत में रखते हैं। ऐसी तो सोच तो पुलिस वालों की भी गलत है। अजान तो चल रही है ना अभी भी, उनको क्यों नहीं उठाया गया? हमने तो माइक लाउड स्पीकर पे भी नहीं किया, हमने तो नॉर्मल बैठ के स्टूडेंट्स ने बोल के किया। लेकिन ये आपने जो यहाँ पर मस्जिद यहाँ पे अजान होती है, आपने कभी कंप्लेंट नहीं करी इसके बारे में? नहीं नहीं, हमने बहुत बार की इसके बारे में कि यहाँ पे अजान है, बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई डिस्टर्ब उठाया नहीं गया। क्या लगता है कि प्रशासन की नालायकी रही है? हाँ, इसमें तो बिल्कुल प्रशासन की नालायकी रही है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? हाँ, लेना चाहिए। अगर आने वाले समय में नहीं लेंगे तो हम भी लाउडस्पीकर में करेंगे। जो भी कार्य हो कॉलेज में अनुशासन के साथ हो, जो भी कार्य हो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो, जो भी कार्य हो छात्रों के हित में हो। चलिए, अभी तो फिलहाल हमें सुनने को आ रही आवाज़ें, जब नहीं आएगी हम भी जेएमसी का बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, हम भी अपने अधिकारी लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे और मैं छात्रों की तरफ से स्वयं बुके लेके जाऊंगा, उन्हें पकड़ाऊंगा कि आपने इतनी ऐतिहासिक जीत हमें लेकर दी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक छात्रों की आवाज़ें अधिकारियों तक नहीं पहुंची जाएंगी, तब तक जी रोज रहेगा। यानी कि सिर्फ मांगों को पूरी नहीं, मांगों को नहीं, अपने हक के लिए, आपने छात्रों के हक के लिए। जी, मेरे सीट के छात्रों ने किया, दे रहा हूँ मेमोरेंडम दिया, दे रहा हूँ। वो कहता है देखेंगे देखेंगे देखेंगे, लेकिन वो 7-8 सालों से कभी उनका देखना आया ही नहीं। जी, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो लाउडस्पीकर को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया, आप किस तरह से देखते हैं? कितना सही है? बहुत अच्छा किया, लेकिन बस इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। देखिए, इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, अब किया तो उन्होंने अच्छा ही है, मैं क्या बोल सकता हूँ अधिकारी। देखिए, छेड़छाड़ लाउडस्पीकर के साथ, वो तो घाटी के लीडरों को पता होगा क्या करना है। हम तो अपने छात्रों का हक मांगने आए हैं, साइंस कॉलेज से हटवा करेंगे। जय श्री राम, जय भारत, जय डुग्गर। उम्र जानते हैं, स्पीकर की आवाज़ आ रही है यहाँ पर है। ये कॉलेज का प्रीमिसेस अकॉर्डिंग टू, मतलब देखा जाए कि मतलब किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई ऐसी धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए, और हम भी नहीं करते, कोई गैर मजहब नहीं करता, तो मैं चाहूँगा भी नहीं कभी किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे छात्रों की पढ़ाई में से ध्यान भंग होता है वो ना होए और वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके।